Hello students, welcome to chemistry class. Today I am here with the topic of chemistry. So today we are going to discuss chapter thermodynamics. In chapter thermodynamics, we will discuss the topic that is entropy and spontaneity. What is it? Entropy and spontaneity. Entropy and spontaneity. अब देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी. एंथैल्पी और स्पॉन्टेनिटी में हमने कुछ देखा कि मतलब जो है कुछ रिएक्शंस के लिए जो है स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है उसके एंथैल्पी चेंज को देख के. अगर किसी सिस्टम की एंथैल्पी क्या हो, नेगेटिव हो, किसी सिस्टम की एंथैल्पी क्या हो रही हो, नेगेटिव हो रही हो, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शंस है स्पॉन्टेनियस होगा या जो प्रोसेस हमारा है ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. उसी क्रम में हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी क्या होता है. स्पॉन्टेनिटी मतलब जो स्वतः रिएक्शंस होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब होता है जो स्वतः रिएक्शन होते हैं. और हम लोग देखते हैं कि कैसे एंट्रोपी से रिलेटेड है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी क्या होती है. स्पॉन्टेनियस मीन्स स्पॉन्टेनिटी में क्या होता है, स्वतः प्रोसेस हो, ऑटोमेटिक जो हो जाए उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे एंट्रोपी देखते हैं. तो एंट्रोपी क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं. एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की, एंट्रोपी का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस. किसी भी सिस्टम के एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस. उस सिस्टम में जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होती है. क्या हमने कहा, एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर. Disorder of particles in the system or randomness of the particles in the system. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि this entropy means entropy is the measurement of randomness or disorder. मतलब जो किसी सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है उसमें रैंडमनेस को बताती है या डिसऑर्डर को बताती है. ठीक है, अब देखें यहां पे, अगर हम लोग यहां पे देखें, it is a state function. You might be knowing what is the state function. State functions, it is independent of the path but it is directly proportional to final and initial state. मतलब अगर किसी सिस्टम का एंट्रोपी हमें चेंज करना है तो एंट्रोपी को किससे, डेल्टा एस से डिनोट किया जाता है. तो एंट्रोपी अगर चेंज करना है, मान लीजिए किसी के एंट्रोपी चेंज करना है तो डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल, इस सिस्टम पर डिपेंडेंट है. ठीक है, इट इज, ऐसे एक पॉइंट और ले सकते हैं, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, क्या है आपका, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर. क्वांटिटी हम लोग कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर मीन्स इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी. अब देखिए यहाँ पे अगर और पॉइंट्स, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सिस्टम हमारे को, तो ध्यान देंगे जो सिस्टम होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है. तो अगर हम लोग देखें, जैसे सॉलिड देखें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी निकले करेंगे फिर आगे से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे. ये गैस देखो, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड में ध्यान देंगे, सॉलिड जो होता है, सपोज कीजिए सॉलिड ऐसे होता है, ध्यान देंगे इसमें बराबर पैकिंग होती है तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी. फिर लिक्विड में
उतनी पैकिंग नहीं होती, ऐसे हम देख सकते हैं लिक्विड में ऐसे, तो ये क्या होगा, इसके ट्रैक पे क्या होगा, इससे सेजिक हो जाएगी। और गैसेस में क्या होता है, गैसेस में पैकिंग ही नहीं होती है, गैसेस में पैकिंग ही नहीं होती है, तो उसके ट्रॉपिक क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मतलब कि अगर सिस्टम में देखा जाए, एक सॉलिड सिस्टम है, एक लिक्विड सिस्टम है और एक गैसेस सिस्टम है, तो उसमें जो गैस होगी उसके ट्रॉपिक क्या होगे, सबसे ज्यादा होगी। मतलब जो हम लोग ऐसा कहते हैं कि सिस्टम में उनके पार्टिकल्स की अव्यवस्था, जो उसको हम लोग कहते हैं किसी सिस्टम में उसके पार्टिकल्स की अव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। पुनः ध्यान देंगे, किसी सिस्टम में उसके पार्टिकल्स की अव्यवस्था जो होती है उसी को एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, व्यवस्थित क्रम में होते हैं। फिर उस बार लिक्विड में देखें, इससे कम व्यवस्थित इसमें होते हैं, और सबसे कम व्यवस्थित क्या होते हैं, गैसेस में होते हैं। तो यहाँ पे एंट्रोपी का अगर टर्म लिया जाए तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी मतलब सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, गैस की होगी, फिर लिक्विड की होगी, फिर सॉलिड की होगी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी टर्म। अब देखिए एंट्रोपी टर्म हमारा कैसे रिलेटेड है स्पॉन्टेनिटी से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनिटी मतलब क्या हो गया कि रैंडमनेस, सॉरी स्पॉन्टेनिटी मतलब जो होता है कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ता है। अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, ध्यान देंगे, इंक्रीज इन एंट्रोपी, देखो इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी लीड्स टू स्पॉन्टेनिटी, मतलब अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिस्टम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। किसी सिस्टम की एंट्रोपी अगर बढ़ रही है तो इसका क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान दें बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे इसके यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट यूनिट ऑफ एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज पर केल्विन, पर यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन पर मोल, इज जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल होती है, पर मोल होती है। ठीक है, अब देखिए आप जूल पर केल्विन पर मोल होती है। अब यहां दूसरी चीज हम देखें हैं कि अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, ठीक है, किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे सपोज करिए कि अगर रिएक्शन लिखा गया है और उसके फिजिकल स्टेट भी लिख दिए गए हैं, तो आप देख के उसको बता सकते हैं कि इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है। कैसे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि जो सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस की होती है, उसके बाद लिक्विड की होती है, उसके बाद सॉलिड की होती है। जैसे आप हम लोगों को सीधा सा एग्जांपल ले लिया हमने, CaCO3 है ये, ठीक है। अब इसका स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, इसको हीट कर दीजिए, इसको हीट करेंगे तो चेंज होगा, देखो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कैल्शियम ऑक्साइड के ध्यान देंगे, अगर इसके कैल्शियम ऑक्साइड के स्टेट की बात करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखो तो ये गैसियस स्टेट में होगा, अब यहाँ पे क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में। तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे अगर ओवरऑल की बात कर दिया जाए तो ध्यान देंगे कि ओवरऑल की अगर बात की जाए तो इससे एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंट्रोपी इसकी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये गैसियस फेज में, ये भी सॉलिड में है, लेकिन ये गैसियस इसके तुलना में केवल सॉलिड में है, इस गैसियस सॉलिड में भी गैसियस स्टेट में, तो ओवरऑल इस पोर्शन प्रोडक्ट की जो एंट्रोपी होगी वो अधिक होगी रिएक्टेंट से, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स उसमें किसमें है, गैसियस स्टेट में भी है। तो यहाँ चीज इसको हमको ध्यान रखना है। अब हम लोग रिएक्शन को देख के ये बता सकते हैं कि दिया गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड टर्म देख लेते हैं कि अगर डेल्टा एस, ध्यान देंगे, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो
तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। डेल्टा एस अगर निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, ध्यान देंगे इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम में है, क्या रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल है या ये क्या है इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एंट्रोपी होती है, जो मतलब एंट्रोपी होती है वो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंट्रोपी ऐसे देखते हैं, एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल, एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस आर जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज आप नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ और चीजें लिखती है, एंट्रोपी ध्यान देंगे, एंट्रोपी अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो एंट्रोपी जो होता है हमारा डेल्टा एस इक्वल डेल्टा क्यू बाई टी होता है, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा क्यू बाई टी होता है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि डेल्टा एस एक टर्म यहाँ पे आता है कि एंट्रोपी जो होता है, इसको हम डिस्कस करें, उसके पहले ये देख लेते हैं, एंट्रोपी जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एंट्रोपी ध्यान देंगे, एंट्रोपी जो होता है वो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसका हम लोग यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि अगर दो सिस्टम लिए जाए, दो प्रोसेस लिए जाए, दो सिस्टम लिए जाए जिनका टेम्परेचर हमें नोन हो, सपोज करिए कि हम दो सिस्टम ले रहे हैं और जिसका, तो हम क्या कर रहे थे, दो सिस्टम मान लिए हमने, जैसे T1 ले लिया और T2 ले लिया, ठीक है। अब T1 का टेम्परेचर क्या है, माने सिस्टम ये हो गया, कोई सिस्टम है, सिस्टम ये हो गया और ये सिस्टम हो गया, T1 एक सिस्टम फर्स्ट हो गया, सिस्टम T1 का टेम्परेचर क्या है, T1 है और सिस्टम इज मतलब इसका टेम्परेचर क्या है, सिस्टम 2 का टेम्परेचर क्या है, T2। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम जो मान ले रहे हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ध्यान देंगे T1 इज ग्रेटर देन T2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर दोनों को ध्यान देंगे, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया जाए, कंसीडर मतलब दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया जाए, ध्यान देंगे इस बात को विशेष ध्यान देंगे, अगर दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए, सेम अमाउंट ऑफ हीट, अगर दोनों को क्या किया जाए, सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया जाए, तो जो इसमें एंट्रोपी चेंज होगी, जो इसमें जिसमें टेम्परेचर अधिक है उसमें एंट्रोपी चेंज की वैल्यू जो होगी वो कम होगी, मतलब अगर मैं एंट्रोपी चेंज इसको डेल्टा S1 कर दूं और इसको डेल्टा S2 कर दूं, तो इसमें जो सिस्टम ध्यान देंगे, जो सिस्टम अधिक टेम्परेचर पे होगा सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पर उसकी एंट्रोपी क्या होगी, कम चेंज होगी। तो इस केस में हम लोग ये देख सकते हैं कि डेल्टा S1 इज स्मॉलर देन डेल्टा S2, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर दो सिस्टम लेंगे जिसमें एक का टेम्परेचर अधिक है और दूसरे का टेम्परेचर क्या है, कम है, उसमें हीट सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एंट्रोपी चेंज हो रही है, जानेंगे जो एंट्रोपी चेंज हो रही है उसके लिए यहाँ पे जो है जिसका टेम्परेचर कम है उसके लिए अधिक आ रहा है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसके लिए कम आ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ टॉपिक देख लेते हैं जिसको हमने लिख दिया है, सिर्फ डिग्री बहुत बड़ा ना होने पर आपको कम समय में अधिक कंटेंट मिल जाए। देखिए जैसे मैंने कहा डेल्टा इज इक्वल क्यू बाई टी, डेल्टा इज इक्वल क्यू बाई टी, इसमें समझ क्या हो गया कि जो सिस्टम की एंट्रोपी वो क्यू पे डिपेंडेंट, ठीक है, क्यू पे डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव, मतलब क्या होगा अगर सिस्टम को हीट सप्लाई की जाए तो एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। सिस्टम अगर हीट सप्लाई कर रहा है, अगर सिस्टम को हीट सप्लाई की जा रही है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, अगर सिस्टम के ऐसे हीट ली जा रही है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम देखें कि एक प्रोसेस जो यहाँ पे मतलब ये आप यहाँ कर सकते हैं कि किसी रिवर्सिबल के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए
ये नॉन रिवर्सिबल के लिए, तो नॉन रिवर्सिबल के लिए ध्यान देंगे, नॉन रिवर्सिबल के लिए ये डेल्टा एस इनफाइनाइट, डेल्टा एस इक्वल डेल्टा क्यू बाई टी, अगर टी इज नॉट कांस्टेंट, अगर टी कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में डेल्टा एस की वैल्यू जो है इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू पर टी होती है। अब देखिए इससे कुछ फैक्चुअल चीज है जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन डेल्टा एस, जो आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब वो उसकी एंट्रोपी हमेशा जीरो से अधिक होगी। फिर सेकंड पॉइंट, आइसोलेटेड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस अधिक होगी। अब देखिए आप जो टोटल एंट्रोपी होती है कहीं किसी भी चीज की, टोटल एंट्रोपी होती है वो सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इनवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। और हम लोग देखें यहाँ पे, देखो ये चीज हमने पुनः यहाँ पे लिख दिया कि डेल्टा एस इक्वल डेल्टा एस टोटल इक्वल डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब देखिए सपोज करिए कि यहाँ पे अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी, ध्यान देंगे, अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है या घट रही है तो वो क्या करेगा, इस टोटल एंट्रोपी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। मान लीजिए ये बढ़ रही है तो ये बढ़ रही तो ये घट जाएगी, तो जो टोटल एंट्रोपी होगा, टोटल एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, इसके दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ देख लेते हैं, इनवर्स डेल्टा एस ऑफ इनवर्स इज ग्रेटर देन, मतलब जो डेल्टा एस की वैल्यू है, डेल्टा एस इनवर्स की वैल्यू वो लगातार बढ़ती रहती है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और डेल्टा एस बाई क्यू, अर्थात यहाँ पे जो है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम एंड डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज है, दो तीन लाइन और देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं इसमें, जो ध्यान देंगे किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए, किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी होती है, जानेंगे रिवर्सिबल सिस्टम के लिए एंट्रोपी, ध्यान देंगे रिवर्सिबल सिस्टम के लिए एंट्रोपी क्या होती है, सेम होती है, रिवर्सिबल सिस्टम के लिए एंट्रोपी सेम होती है, लेकिन एंट्रोपी जो चेंज होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए टू बी, ध्यान देंगे ए टू बी है, ये देखिए यहाँ पे ए टू बी है। अब देखिए यहाँ पे जब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, देखो ये रिएक्शन अगर प्रोसीड होगा तो फर्स्ट स्किन ट्रॉपी घटेगी, स्किन ट्रॉपी बढ़ेगी, ठीक है। फिर जब दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तो इनकी ट्रॉपी का भी रिमेन सेम, मतलब लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस की जो वैल्यू होगी, डेल्टा एस की एंट्रॉपी चेंज की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए जो एंट्रोपी होती है वो उसके इक्विलिब्रियम तक बढ़ती है, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है उसके इक्विलिब्रियम तक बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एट इक्विलिब्रियम जो एंट्रोपी चेंज होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। मतलब अगर टिल इक्विलिब्रियम, हम लोग कह सकते हैं टिल इक्विलिब्रियम जो है एंट्रोपी इज पॉजिटिव, एंट्रोपी इज पॉजिटिव, एट इक्विलिब्रियम ध्यान देंगे एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इज जीरो। कुछ ये फैक्चुअल चीजें हैं, इसके बारे में बहुत ध्यान रखना है, मैं बहुत इस वीडियो को बढ़ाना हो इसलिए थोड़ा चीजें तेजी से की गई हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।